दोस्तों आज मैं मार्केट से मम्मी के लिए जो है नारियल लेके आया हूँ। तो जब मैं मार्केट में गया और जब मैंने नारियल का रेट पूछा तो दोस्तों मैं दंग रह गया कि नारियल का रेट जो है इतना हाई जा चुका है मार्केट में कि दोस्तों जो नारियल है कुछ दिन पहले तक जो है 40-50 रुपए तक इजीली मार्केट में मिल जाते थे। आज एक नारियल दोस्तों जो है मतलब कि 100 रुपये का, मतलब कि 100 रुपए का जो है एक नारियल मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है। तो दोस्तों बड़ा गुस्सा आता है कि इंडिया है, मतलब कि क्या है दोस्तों कि एक तो वैसे ही मतलब है कि देश में कोरोना ने इतना बुरा हाल कर रखा है कि गरीब आदमी वैसे ही मतलब परेशान है, और एक ये गरीब आदमी जो बीमार है वो थोड़ा बहुत सोचे कि फल फ्रूट वगैरह खा ले, तो मार्केट में फल फ्रूट के और नारियल पानी के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वही गरीब आदमी तो अब क्या करे, खाए या ना खाएं। खाएगा तो उसके पास फाइनेंशियली इतने पैसे होते नहीं हैं, और ना खाएगा तो वैसे मर जाएगा। तो वही हालत मतलब कि क्या है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कुछ लोग हैं जो मतलब कि जो जमाखोरी करते हैं और सोचते हैं कि ये जो ऐसा टाइम है कि इसमें एक की दो बनाने का टाइम है, तो यार उस भगवान से डरो, ठीक है कि भाई देखो वैसे ही आपदा की घड़ी है देश के ऊपर। तो अभी क्या है कि आप सोच रहे हो कि पैसे कमान, यार ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कुछ इंसानियत कुछ मानवता भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, तो ऐसा मत करो। तो मैं तो दोस्तों बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई जो जायज़ रेट होता है ना वही लो, ऐसा मत करो, लूटो मत, ठीक है, किसी गरीब इंसान की बद्दुआएं हाय मत लो, ठीक है, ये पैसा जो है कोई साथ लेके नहीं जाता है। बट हाँ इतना ज़रूर लो जो तुम्हारा मार्जिन होता है वो रखो, ऐसा नहीं मत करो कि भाई कोई 40 रुपए की चीज़ को आप 100 रुपए में बेच रहे हो तो डबल डबल, ठीक है, इतना रखो कि भाई तुम्हारा भी गुजर बसेरा हो जाए और गरीब आदमी को भी खरीदते टाइम मार्केट में परेशानी ना आए। तो बस यही था कि एक्चुअली क्या मैंने तो एफर्ट कर लिया, बट हमारे से भी कुछ समाज में ऐसे और जो है जिनकी स्थिति थोड़ी ख़राब है तो वो तो दोस्त क्या है रेट सुन के वापिस ही चला जाएगा, खरीदेगा नहीं, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ कि 100 रुपये का नारियल बहुत ही कम लोग जो है मतलब कि जो बिल्कुल जिसकी दयनीय हालत है मतलब कि वो नहीं खरीद पाएगा। तो बस यही था दोस्तों कि भाई थोड़ा जो गरीब आदमी सोचता है थोड़ा बहुत खा पी के जो है बीमारी में थोड़ा उठ जाए, तो वो अभी क्या हालत जो है मार्केट में रेट्स के फल फ्रूट वगैरह के या नारियल पानी के बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो यही था कि भी, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भी सरकार को भी क्या है कि इसके ऊपर थोड़ा एक्शन लेना चाहिए कि इन चीज़ों के जो रेट्स हैं वो एक पैमाना सेट करना चाहिए कि भी जो रेट्स हैं उसके ऊपर ना जाएं, ठीक है, जो मार्जिन है जो उनका मुनाफा होता है बस उतना ही रखें, ये ना कि भी 1 रुपये की चीज़ को 10 रुपये बना के बेचें, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ यही था कि आज बड़ा मुझे मतलब कि भाई रेट सुन के बड़ा ये लगा कि भाई इतना महंगा रेट, और कुछ दिन पहले तक ये 40-30 रुपए में जो बिक रहे थे नारियल आज 100 रुपए का नारियल। और तो आज मैं दोस्तों आज दिनांक 9/5/2021 की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का रेट ये है कि 100 रुपए का नारियल आपको मार्केट में मिल रहा है, ठीक है, और ठीक है वैसे ही मतलब कि हालत ख़राब है। तो मैं बस ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि अभी थोड़ा रेट का थोड़ा सरकार को गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि भी गरीब तबके के लोग भी रहते हैं वो इतना हाई रेट होंगे नारियल के फल फ्रूट के तो कैसे खाएंगे और कैसे वो सरवाइव कर पाएंगे। तो प्लीज़ गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़रूर देखे, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भी रेट थोड़ा जैसे कंट्रोल में होने चाहिए ताकि गरीब इंसान भी इस मुश्किल की घड़ी में बीमार की हालत में जो है खा सके और पी सके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो वीडियो है गवर्नमेंट तक जाए और थोड़ा हाँ इसके ऊपर एक्शन हो सके जो भी वेंडर्स वगैरह होते हैं इनके ऊपर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।